Councillor of Vasant Vihar Radheshyam Sharma immediately reached the spot at RK Puram where three businessmen died in an accident. He has called for a thorough CBI probe in the case. An NNIS exclusive. Three businessmen in the age group of 25 to 30 were found dead in a luxury car parked in RK Puram area of South Delhi. The deceased have been identified as Nishant, Balwinder and Lakshman. They were friends involved in an event management business. The bodies were found in a white color Honda City car owned by Balwinder around 11 p.m. on Monday night. It is suspected the death happened due to consumption of some poisonous substance or gas poisoning. मेरे को सवेरे अभी थोड़ी देर पहले पता लगी तो मैं तुरंत यहाँ आया हूँ। इससे बड़ी कोई दुखद घटना हो नहीं सकती। तीन जवान बच्चों की मौत हो जाना और वो भी ऐसी हालत में कि गाड़ी के अंदर वो कह रहे एसी चली हुई थी, अगर एसी से जहरीली गैस बनी है तो जितने यहाँ मेरे को लोग मिले हैं सब कह रहे हैं कि 6 इंच शीशा खुला हुआ था कार का। जब तक एयर टाइट बंद नहीं होगा शीशा तब तक जहर बनने का या जहर से मौत होने का सवाल नहीं पैदा होता। Police have scanned footage of CCTV installed in nearby areas to ascertain what happened to them. Reportedly, vomit marks have also been found inside the car. While relatives of the deceased are suspecting foul play in the incident, the councillor told NNIS that he wanted a CBI probe. मेरे को लगता है इसमें पुलिस को बहुत गहराई से जांच करनी चाहिए और मेरा मांग ये करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि केवल पुलिस नहीं इसमें किसी सीबीआई या किसी ऐसी एजेंसी से कोई स्पेशल क्राइम ब्रांच से इसकी जांच होनी चाहिए। दुखद एक बात और है वो ये है कि 1 फरवरी के महीने में हनुमान कैंप यहीं सेक्टर 2 में एक बच्चे की डेथ हुई थी, उसको एक्सीडेंट की डेथ बताई पुलिस ने, मोटरसाइकिल तक डैमेज नहीं हुई। ये दोस्त थे वो चारों। मैं इसको इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि ये वो बच्चा जो फरवरी में जिसकी एक्सीडेंटल डेथ बताई पुलिस ने, वो और ये तीनों बच्चे दोस्त थे। नहीं सर, कि हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, ना उनकी कोई लड़ाई थी किसी से, कुछ भी ऐसा नहीं था। मगर डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है कि शायद एसी की वजह से हो, लेकिन लेफ्ट साइड का पीछे वाला दरवाजा का शीशा करीबन 4 से 6 इंच तक खुला हुआ था, तो एसी की वजह से तो वो नहीं, और तीनों एक साथ नहीं मर सकते और तीनों को एक साथ उल्टी नहीं हो सकती, पक्का उन्हें किसी ने पॉइजन दिया है। Radheshyam Sharma said the post-mortem report will reveal the real picture in the case. He said the report was awaited. जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा उनको क्या दिया गया, क्या खाया है, क्या खाया है, जहरीली गैस से हुई है, किस चीज से हुई है। लेकिन मेरा केवल आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इस परिवार, ये जो तीन बच्चों की डेथ हुई है और जो परिवार के ऊपर जो ये इतना बड़ा आघात लगे, बहुत गहराई से इस मामले की जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो किसी भी कीमत पर उस दोषी को बख्शा नहीं जाना। Powered by NNIS.